अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये क्या हो गया, या इलाही रहम। कयामत नजदीक आ गई है, जन्नतुल बकी में ये क्या हो गया। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में जब एक शख्स का इंतकाल हुआ तो यही कहा गया कि इसे जन्नतुल बकी में दफनाया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही नेक और इबादत गुजार शख्स था। 5 वक्त का नमाजी था, हाफिज कुरान था, मस्जिद में अजान भी दिया करता था। यह अपनी जवानी में बड़ा ही नेक था। आज तक इसने कभी किसी को नजर उठाकर नहीं देखा था। न सिर्फ बाहर बल्कि घरेलू मामलात में भी बहुत अच्छा था। यूं जवानी में उसका वफात पा जाना लोगों को शदीद दुख में मुब्तला कर गया था। हर कोई उसके घर वालों को सब्र जमील अता करने की दुआ कर रहा था। वो मदीना मुनव्वरा में अमीर तरीन लोगों में से एक शेख की इकलौती औलाद था। सबका लाडला भी बहुत था। माँ बाप तो बेटे के जाने के गम में निढाल हो चुके थे। यही दुआ कर रहे थे कि उम्र तो हमारे जाने की थी, हमारी बची हुई जिंदगी हमारे बेटे को मिल जाती और हम अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते। कम अज कम मेरा बेटा इस दुनिया की रंगीनियां तो मजीद देख जाता। अभी उसके जाने का मौसम तो हरगिज ना आया था, मगर शायद यही उस लड़के की किस्मत में लिखा था, जो वो बिन ब्याहे ही इस दुनिया से चला गया। जब दफनाने की बात आई तो उसे जन्नतुल बकी में दफनाया जाने लगा। फैसला किया गया, गोरखन को पहले इत्तला कर दी गई कि जन्नतुल बकी में एक कब्र की खुदाई शुरू कर दी जाए, वहाँ पर एक नौजवान को दफनाना है। गोरखन हुक्म की तामील करते हुए जन्नतुल बकी में कब्र खोदने लगे। एक मरतबा जब कब्र को खोदा गया तो एक बड़ा पत्थर पहले ही वहाँ पर नमूदार हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर कब्र बनाना नामुमकिन सी बात थी। इसलिए जमीन को बंद कर दिया गया और फिर दूसरे मकाम पर कब्र की खुदाई शुरू कर दी गई। खुदाई हुए कुछ देर ही हुई थी कि अचानक मट्टी अंदर को धंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन का वो हिस्सा नीचे से खाली हो, या फिर पुराने वक्तों में वहाँ पर कोई कुआं था जिसकी गहराई की वजह से जमीन का वो हिस्सा नीचे की जानिब धंसता चला जा रहा है। फौरन मट्टी डालकर उसको भी बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर वहाँ पर मैयत को दफनाया जाता तो यकीनन मैयत जमीन में धंस जाती। इन दो कब्रों को बंद करने के बाद तीसरी मरतबा फिर कब्र खोदी गई, मगर इस मरतबा भी कब्र की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े निकलकर बाहर आने लगे। वो कीड़े इस कदर अजीब शक्लो सूरत के थे कि देखकर लगता कि वो जहरीले होंगे। एक गोरखन के हाथ पर वो कीड़ा काट भी चुका था। कीड़े का काटना था कि हाथ बिल्कुल नीला पड़ने लगा। वो गोरखन तो फौरन अस्पताल पहुंचा था, जबकि दूसरे गोरखन ने कब्र की खुदाई के लिए एक और शख्स को बुलवा लिया ताकि कब्र का काम जल्द अज जल्द पूरा हो सके। जैसे तैसे करके चौथी मरतबा कब्र को खोद दिया गया। वहीं जब उस नौजवान शख्स की मैयत को उठाया जाने लगा तो मैयत हद से ज्यादा ही भारी थी। ताबूत तो जैसे उठाया ही नहीं जा रहा था। कई लोगों के तो पसीने छूट चुके थे, हर एक की जबान पर कलमा शहादत था। सब ने बड़ी हिम्मत जमा करके एक साथ मैयत को उठाया, फिर भी उनके चेहरों से वाजे था कि मैयत कुछ ज्यादा ही भारी हो चुकी है। सबको कहा गया कि वो कलमा शहादत बुलंद से बुलंद आवाज में पढ़ें। ये बात उनके लिए हैरानकुन थी। जिस नौजवान के बारे में कहा जा रहा था कि ये नौजवान बड़ा ही नेक था, इसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था, हर एक के साथ नेकी ही की थी, गरीबों की मदद की थी, फिर इसकी मैयत इस कदर भारी क्यों हो चुकी है। ऐसा लगता था जैसे इसमें कोई इंसानी वजूद नहीं बल्कि पत्थर भर दिए गए हों। जन्नतुल बकी में इस जनाजे को लाया गया था। जैसे ही कब्र में इस शख्स की मैयत को उतारा जाने लगा कि अचानक वहाँ पर जमीन एक पल को लर्जी थी। जमीन का लरजना था कि एक पल को लोग रुक गए। हर कोई इस्तिग़फ़ार और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने लगा, कहने लगा कि रुको, ज़लज़ला आ रहा है, फिलहाल मैयत को दफनाना रोक दो। 10 मिनट तक इंतजार किया गया। जब लगा कि अब जमीन वापस अपनी हालत में आ चुकी है तो दोबारा उस जनाजे को जैसे ही जमीन में उतारा गया और उस शख्स के लवाइकीन कब्र से बाहर निकलकर खड़े हुए कि अचानक कब्र की मट्टी एक जानिब से सरकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मट्टी अंदर को धंसती चली जा रही हो। ये देखकर उस शख्स के रिश्तेदार गोरखन को घूर कर देखने लगे, कहने लगे कि ये कैसी कब्र की खुदाई की है, कब्र को अंदर से पक्का क्यों नहीं किया, देखो मट्टी अभी भी एक तरफ से निकलकर मैयत के कफन को मैला कर रही है। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि अचानक एक बहुत बड़ा सांप कब्र की एक जानिब से निकलकर बाहर आ गया। वो सांप बहुत मोटा और लंबा था। इतने मोटे और लंबे सांप को देखकर हर कोई खौफजदा हो चुका था। उस शख्स के रिश्तेदार गोरखन को इशारा करने लगे कि फौरन मैयत को कब्र से बाहर निकाला जाए। ये सांप कहां से निकल आया है? दोस्तों, गोरखन भी घबरा चुके थे। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमें अपनी जान प्यारी है, इतना बड़ा सांप है, जहरीला है, न जाने ये कहां से निकल आया है, अगर हम मजीद आगे गए तो हमारी जानों को खतरा हो सकता है। हर कोई सरगोशी कर रहा था और वो सांप देखते ही देखते इस मैयत को अपनी लपेट में ले चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक पल में उस शख्स को मुकम्मल जकड़कर कब्र से बाहर फेंक दिया। कफन के बंद खुल चुके थे, वो शख्स बाहर गिर चुका था, हर कोई दूर हटकर खड़ा था। फौरन सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलवाया गया, जिनके पास फायर गन्स भी मौजूद थी। फायर करके उस सांप को भगाने की कोशिश की जा रही थी। उस लड़के के रिश्तेदार तो कब के वहां से भाग चुके थे, हर एक को अपनी जान की फिक्र थी। वो सांप कितनी गोलियां लगने के बावजूद यूं ही रेंगता हुआ उस मैयत की जानिब आ रहा था। पहले तो इसे सिर्फ एक इत्तेफाक ही समझा गया, क्योंकि हर कोई इस शख्स को बड़ा ही नेक और दीनदार समझ रहा था। मगर धीरे धीरे लोगों के जहन में ये बात आ चुकी थी कि हो ना हो इस शख्स ने यकीनन कोई ना कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है जिसकी वजह से इस पर अल्लाह ताला की तरफ से यह अजाब नाजिल हुआ है। पहले तो 4 मरतबा कब्र खोदी गई, मैयत कब्र में उतारी गई तो एक बहुत बड़ा सांप कब्र से निकलकर उसे बाहर फेंक चुका था।
और अब जब उस सांप को गोलियां मारी जा रही थी तो उसे गोली भी नहीं लग रही थी। ये सांप तो आज तक सिर्फ बाहर ममालिक में ही पाया जाता था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना खौफनाक सांप जन्नतुल बकी में आया कैसे था। लोगों के तो होशो हवास गुम हो चुके थे। उस सांप को जितना भी डराने की कोशिश की जा रही थी, मगर वो अपना मुंह खोले उस मैयत के पास आया और अगले ही पल अपना मुंह खोलकर पैरों की जानिब से उसे अपने मुंह में निकलने लगा। ये मंजर इतना हौलनाक था कि कमजोर से कमजोर दिल इंसान वहां पर बेहोश होने लगे थे। कितने ही लोग तो अपने होश खो बैठे थे, भाग कर चिल्लाते हुए वहां से दौड़ लगा चुके थे, मगर अभी भी कई लोग वहां पर मौजूद हौलनाक मंजर को देख रहे थे। जब इस मैयत को सांप निकलता ही चला जा रहा था, कुछ ही देर बाद वो शख्स मुकम्मल तौर पर सांप के मुंह में था। सांप बहुत ज्यादा फूल चुका था। फिर वो सांप रेंगता हुआ जन्नतुल बकी की हुदूद से बाहर गया और बहुत दूर जहां पर बड़े बड़े थैलों में कचरा रखा गया था ताकि उसे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुदूद से बाहर फेंका जाए, उस शख्स को वहां फेंक दिया। सारी मुलम्माकारी धरी की धरी रह गई थी। वो लोग जो इसे नेक और पंच वक्ता नमाजी समझ रहे थे, हाफिज कुरान समझ रहे थे, इस शख्स की तो ये हकीकत थी कि इसे कचरे पर एक सांप ने फेंक दिया था। इस शख्स को वहां उगलने के बाद वो सांप कितनी ही देर वहां पर मौजूद रहा, फन फैलाकर बैठा रहा। कचरे की एक जानी आग भी लगाई गई थी। देखते ही देखते वो आग इस शख्स तक पहुंची और फिर जल्द ही कफन को भी आग लग चुकी थी। वो शख्स देखते ही देखते कचरे पर पड़ा हुआ जल रहा था। जलने की बदबू आसपास फैल रही थी और वो सांप वहां से वापस पलट गया था। वो कहां गया, कहां से आया था, कोई नहीं जानता था। वो शख्स जलकर राख हो चुका था। ये बात तो एक राज ही रह गई कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ। एक ग्रोह ऐसा था जो इस शख्स की नेकनामी को मशहूर कर रहा था, जबकि वही एक ग्रोह ऐसा भी था जो शख्स को गुनहगार कह रहा था कि यकीनन इसने कोई ऐसा गुनाह किया था जो अल्लाह ताला ने उसे ये सजा दी। दोस्तों, ये राज ज्यादा देर तक राज नहीं रह सका। कुछ ही अरसे बाद जो बात मंजर आम पर आई, उसने कई लोगों की आंखें खोल कर रख दी। ये बात मंजर आम पर एक खातून लाई थी जो कि अपना ज़हनी तवाज़ुन भी कुछ खो चुकी थी। कहने लगी कि मैं इस घर में मुलाजमा थी, यहाँ पर काम काज किया करती थी। हम तो नस्ल दर नस्ल इनके यहाँ मुलाजमत कर रहे थे। मेरी 10 साल बेटी थी जिसको मैं अपने साथ यहाँ पर काम करने के लिए लाया करती थी। एक रात मेरी बच्ची मेरे क्वार्टर में मेरे पास नहीं थी। मैं घबरा सी गई, आखिर आधी रात को मेरे पास छूटकर कहाँ जा सकती थी। मैं उसको ढूंढते हुए जब इनके महल नुमा घर की जानिब आई तो मुझे घर के पिछले हिस्से से अपनी बच्ची की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। बच्ची को रोता देखकर जब मैं वहां पर पहुंची तो यही शख्स था जो मेरी बच्ची को ज्यादती का निशाना बना चुका था। मेरी बच्ची की हालत बहुत गैर थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले ही पल जब इस शख्स ने मुझे देखा और मैं अपनी बच्ची को वहां से उठाने लगी और उसको ये धमकी दी कि मैं सबको तुम्हारी हकीकत बता दूंगी, तुमने मेरी बच्ची के साथ दरिंदगी की है, तो उसने मुझे धक्का दे दिया। वहीं पर मौजूद बिजली की तार उसने मेरी बच्ची के वजूद पर गिरा दी। मेरी बच्ची बिजली के झटकों से तड़प तड़प कर मर चुकी थी। उसके बाद मैं रोती चिल्लाती हर एक के दर को खटखटाती हुई ये कह रही हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ दो, मगर वो तो नेकनामी की वजह से मशहूर था, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं था। अगर आज इतने सालों बाद देखो मेरे रब ने कैसा इंसाफ किया है, मेरी बच्ची का गुनहगार अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, उसकी हकीकत भी सबके सामने आ चुकी है।